अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं स्पेनिश ऑमलेट। अगर आप कभी कुछ बहुत ही क्विक जल्दी से बनाना चाहते हैं नाश्ते के लिए, तो आप ये ऑमलेट ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। तो चले चलते हैं इसके इंग्रीडियंट्स की तरफ। ऑमलेट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे हमने एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया है, एक लार्ज साइज का आलू लिया है, थोड़ी सी बंद गोभी लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको नहीं भी डालना चाहते तो आप ना डालें। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, हसब ज़रूरत काली मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा नमक हसब ज़रूरत, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टी स्लाइस। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ये भी नहीं डालना चाहते तो आप मत डालें। और 3 अंडे। सबसे पहले हम प्याज और आलू को बारीक बारीक काट लेंगे। यहाँ पे अब हम सबसे पहले प्याज की कटिंग करेंगे। इसको बिल्कुल स्मॉल चॉप करना है। प्याज हमारा कट चुका है, अब हम आलू काटेंगे। अब बंद गोभी काटेंगे, उसको भी अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। गोभी हमारी कट चुकी है, अब हम यहाँ पे 4 हरी मिर्चें, इसको भी यहाँ पे बारीक चॉप कर लेंगे। जी, तो यहाँ पे सब कुछ कट चुका है। ये ऑलमोस्ट सब कुछ 1-1 कप है, 1 कप प्याज, 1 कप आलू, 1 कप बंद गोभी और 3 से 4 हरी मिर्चें। तो चले चल, अब हम अपना स्पेनिश ऑमलेट तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है ताकि हर चीज अच्छी तरह से कुक हो जाए। सबसे पहले अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलुओं को हमने 2 से 3 मिनट तक पकाना है। ये बिल्कुल कुक नहीं होने चाहिए, हाफ कुक होने चाहिए। 2 से 3 मिनट तक इसको इसमें फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें 1 कप प्याज शामिल करेंगे और इस प्याज को भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और प्याज भी हमारा थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे और 2 से 3 हरी मिर्चें जो हमने काट कर रखी थी वो भी शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन सब चीज़ों को पकने के लिए छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट के लिए ढककर। यहाँ पर हम इन सब चीज़ों में 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। और इनको एक दफा मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी सब चीजें बहुत अच्छी तरह से भी कुक हो चुकी हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अपने अंडे फेंक लेंगे। यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम अपने 3 अंडे डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आपने बहुत एहतियात से ऐड करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी सब्जी में भी नमक शामिल किया था, इसलिए आपने बहुत एहतियात से थोड़ा सा नमक डालना है कि उसमें ज़्यादा ना हो जाए। 1/2 टीस्पून यहाँ पे हम काली मिर्च शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा पुदीना। अगर आपके पास धनिया है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे वो नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें अपनी तैयार की हुई सब्जियाँ डालेंगे।
इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पेनिश ऑमलेट का मिक्सचर तैयार हो चुका है, अब हम इसको कुक करेंगे। ये हमने यहाँ पे पैन लिया और इसके नीचे हमने अब फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे हम 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी शामिल कर रहे हैं, आप चाहें तो दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपना बटर ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह से पैन में फैला देंगे। अभी हमने इसमें हाफ बटर शामिल किया है, पूरा नहीं किया, क्योंकि हमने इसमें चीज़ स्लाइस ऐड करने हैं। अगर आपने इसमें चीज़ स्लाइस ऐड नहीं करने तो आप यहाँ पे अपना पूरा बैटर शामिल कर सकते हैं। हमने आधा शामिल किया, अब हम इस पर अपने 2 चीज़ स्लाइसेस लगाएंगे और फिर उसके ऊपर से आधा बैटर डाल देंगे। अब बाकी का बचा हुआ बैटर शामिल करेंगे और इसको कवर कर देंगे। इसको हमने कवर करके पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। इसको आपने हल्की आंच पे ही पकाना है, फिर ही ये बहुत अच्छा सा पक के तैयार होगा। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक करेंगे। इसको साइड से हल्का सा उठाकर चेक करेंगे, ये नीचे से अच्छे से कुक हो चुका है, अब हम इसको इस साइड से कुक करेंगे। इसके लिए हमें एक बड़े साइज की प्लेट चाहिए, जो कि आपके पैन से बड़ी हो। यहाँ पे हम इसको पैन को उठाकर प्लेट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और अपने अंडे को इसमें पलट देंगे और इसमें हम अपना अंडा दूसरी साइड से पकने के लिए डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे और इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। अंडा हमारा दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो चुका है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको नीचे से भी चेक कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, इस पर बहुत अच्छा कलर आ चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे सर्व करने के लिए। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का स्पेनिश ऑमलेट, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है, हमने इसकी कटिंग कर ली है। आप इसको चाहें तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं या ब्रेड के साथ बीच में सैंडविच बनाकर भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत मज़े का लगता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।